हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कुछ एक बॉडीज में, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, ठीक है। तो ये जो रॉड दिख रही है ये यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ l, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस विच इज एट एन एंगल थीटा टू इट, ठीक है। देखिए ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी, और ये बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है। ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट कुछ एंगल बना के, थीटा एंगल बना के ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये जो रॉड है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली हमको जब भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट मैथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। हमको यूनिफॉर्म रॉड दी है, तो यूनिफॉर्म रॉड है तो सबसे पहले तो हमारी इसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, लीनियर मास डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एम अपॉन एल, ठीक है। ये पूरी लेंथ एल है, अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मैंने ये अगर ये मैंने ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो मैं इस एंड को अपना क्या मान रहा हूं, ओरिजिन, रॉड के इस एंड को मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इस ओरिजिन से मैंने एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स अमाउंट का एलिमेंट कट करूंगा, एक्स डिस्टेंस पे क्या करा, डीएक्स अमाउंट का एलिमेंट, डीएक्स अमाउंट का एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो हमारा एलिमेंट है इसका मास क्या हो जाएगा, डीएम, इसका मास डीएम, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स, ठीक है, लैम्डा इंटू डीएक्स इसका मास हो जाएगा। अब देखिए अब मुझसे पूछा गया है इनर्शिया निकालना है, तो इनर्शिया के लिए हमको फॉर्मूला बताया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, ठीक। तो उस मास का ये आर क्या होता है, उस मास का रेडियस ऑफ रोटेशन, इस मास का रेडियस ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो जब ये वाली रॉड जब ऐसे मूव कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, तो देखिए जो आपने एलिमेंट लिया है वो यहां का कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सिर्फ इस पार्टिकल को मैं देखूं, सिर्फ इस पार्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करूं, तो देखिए ये जब रोटेट करेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी क्या होगी, ये रेडियस ऑफ रोटेशन इसकी क्या होगी, दिस थी है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ रोटेशन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये आर, ठीक है, ये आर रेडियस ऑफ रोटेशन इस एलिमेंट। अब देखिए अगर ये मैं आर ले रहा हूं, ठीक है, और डीएम हमारा क्या है, लैम्डा डीएक्स, मतलब कि वेरिएबल क्या है, एक्स है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, मतलब हम लिमिट जब पुट करेंगे तो एक्स पे पुट करेंगे जीरो टू एल, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस है एल, ठीक है, दी गई है, तो जीरो टू एल हमको लिमिट पुट करनी है। तो इसका मतलब है कि आर जो रेडियस ऑफ रोटेशन है ये मुझे एक्स के आर मुझे चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, आर एक्स के टर्म्स में लिखना है। तो अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो क्या मैं एक्स को लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या बेटर यू राइट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ट्रायंगल ओ ए बी आप अगर देखें, ट्रायंगल ओ ए बी, तो ओ ए हाइपोटेन्यूज है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, लंब बटे कर्ण ये क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए लंब इज इक्वल टू
टर्न इंटू साइन थीटा, मतलब आर इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसको मैं यहां पर पुट कर दूंगा, आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू लैम्डा इंटू डी एस, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू लैम्डा इंटू डी एस। अब देखिए किसी भी एलिमेंट के लिए थीटा तो कांस्टेंट है, किसी भी एलिमेंट के लिए थीटा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल आप ले लो यहां पर, थीटा उसके लिए कांस्टेंट है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स, कहां से कहां तक होगा, जीरो टू एल, ठीक है, लिमिट्स जीरो टू एल। लैम्डा साइन थीटा, लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, लिमिट्स जीरो टू एल। अब जब आप लिमिट्स पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू इधर से एम बाई एल पुट करिए, ठीक है, तो देखिए आपका आंसर आ जाता है, यहां पर m बाई एल होगा और यहां पर देखिए क्या आएगा, एल क्यूब बाई थ्री आएगा, तो एक एल एक एल कट जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिंपल रिजल्ट है। देखिए एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा सिंपल रिजल्ट है, क्योंकि देखिए इसके अराउंड अगर ये एक्सिस सीधी होती तो थीटा 90 हो जाता, साइन 91 होता, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री आता है, ठीक है। तो आप एम एल स्क्वायर बाई थ्री तो हमको याद ही है, बस अगर एंगल थीटा है तो उसके साथ साइन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हम कुछ, अगर सपोज हमको अगर आईसी पता है, आईसी मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अगर हमको किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास पता है, मतलब जो एक्सिस पास कर रही है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो अगर किसी और एक्सिस के अराउंड मुझे निकालना है तो उसके लिए एक सिंपल थ्योरम होती है, हर बार इंटीग्रेशन मैथड नहीं करना पड़ेगा, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दो थ्योरम होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिससे ये मूवमेंट ऑफ इनर्सिया कभी कभी कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको थोड़ा सा डिक्लेयर करूं, द मूवमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी, द मूवमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल एक्सिस
पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड सिंपल लिखिए एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर मुझे किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का ठीक है 1D 1D 2D 3D किसी भी बॉडी का अगर मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ठीक है तो देखिए अगर उसका मुझे मूवमेंट देखिए पहले तो क्या होता है 3 एक्सेस होती है राइट तो अगर बॉडी सपोज एक्स वाई प्लेन में अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो देखिए एक्स वाई प्लेन में जब बॉडी रोटेट करेगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये जेड एक्सिस जो होगा जेड एक्सिस के पैरेलल देखिए इस बॉडी में कितनी भी एक्सिस हो सकती है कोई किसी भी पॉइंट से पास हो सकती है ठीक है तो जब मैं किसी भी एक्सिस को मैं देखूं ठीक है सपोज मुझे इस एक्सिस के अबाउ चाहिए है अपनी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द एक्सिस आई एम शोइंग विद माय फिंगर ठीक है उसके अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए राइट तो अब देखिए मैं क्या करूंगा एक इसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा किसका सम होगा किसका इसके पैरेलल जो एक्सिस पास करेगी सेंटर ऑफ मास से देखिए सेंटर ऑफ मास से 3 एक्सिस पास कर सकती है एक तो एक्स एक वाई और एक जेड ठीक है तो मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है तो इसी के पैरेलल एक्सिस मैं ढूंढूंगा अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाता तो इसके पैरेलल एक्सिस मैं ढूंढता जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ठीक है तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली वो एक्सिस जो कि आपसे पूछी गई एक्सिस के पैरेलल हो ठीक है उस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट जो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ठीक है वो सपोज आईसी है ठीक है वो सपोज आईसी है तो अगर मैं बात करूं ये सपोज हमारी बॉडी है ठीक है और मुझसे ये एक्सिस या फिर ये आई जेड जेड पूछा गया सपोज ठीक है जेड जेड डैश ठीक है और ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली वो वाली एक्सिस है जो कि ZZ डैश एक्सिस के पैरेलल है ठीक है ये है आपका सेंटर ऑफ मास ठीक है तो मैं यहां पर लिखूंगा कि जो आई जेड जेड डैश होगा वो हमारा क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आईसी प्लस किसका सम है आईसी एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस मतलब आईसी प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी तो मास ऑफ द बॉडी एम है एम इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू तो अगर ये आर है तो सपोज ये आपका हो जाएगा आईसी प्लस एम आर स्क्वायर ठीक है या थोड़ा डिफरेंट नोटेशन यूज कर लेते हैं एच अगर ले लेते हैं इसको तो आईसी प्लस एम एच स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ये सिंपल सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम एनी बॉडी ठीक है ना मतलब 1D 2D 3D सबके लिए अप्लाई है ठीक है आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं किसी भी 1D 2D 3D बॉडी किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं ठीक है इसका अगर प्रूफ देखना है मुझे तो देखिए क्या होता है
सिंपल है इसका प्रूफ। सपोज ये कोई मेन बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। बेसिकली देखिए, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने अपनी बार कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन मानी है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी जेड एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी जेड एक्सिस है। अब यहां पर देखिए सेंटर ऑफ मास से जो एक एक्सिस पास हो रही होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से भी एक एक्सिस जो पास हो रही होगी उसको मैं नाम दे देता हूं जेड डैश, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये आपकी हो गई एक्स डैश और ये आपकी हो गई वाई डैश। मतलब कि समझिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, तो अकॉर्डिंगली मैंने एक्सिस के नाम चेंज कर दिए। ये जो तीन एक्सिस हैं एक्स डैश जेड डैश वाई डैश, ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और ये हमारा क्या है, ये किसी भी मतलब उस एक्सिस उस पॉइंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जिस पॉइंट से वो एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए जेड एक्सिस जो मैंने ये दिखाई है, ये एक्चुअली आपकी तरफ बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, ये जेड एक्सिस मैंने थोड़ा सा इस तरफ दिखाया है, ये एक्चुअली है कैसी बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, आउटवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं कोई एक पार्टिकल लेता हूं, यहाँ पर अगर मैं सपोज अभी क्या है कोई एक nth पार्टिकल लेता हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या सब सपोज कर रहा हूँ कि ये बॉडी कई पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है, तो ये कोई एक nth पार्टिकल है, ये कोई एक nth पार्टिकल है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस लिखूं, तो देखिए इसका कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, ये देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी इसकी रेट आर हो जाएगी, ठीक है, ये आर हो जाएगी, आर हो गई, और अगर इस मैं इसको बेसिकली आर एम लिख रहा हूं क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर जब मैं जेड एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऑब्वियसली मैं क्या देखूंगा, मैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में nth पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को चेक करूंगा या फिर nth पार्टिकल की पोजीशन चेक करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड आपका हो जाएगा सिग्मा एम एन आर एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आर एन क्या है, आर एन है पोजीशन वेक्टर ऑफ nth पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू जेड मतलब जेड एक्सिस, ठीक है ना, ओके, जेड एक्सिस वाली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें पोजीशन वेक्टर nth पार्टिकल का, तो इसका डायरेक्शन देखिए एक तरह से अगर मैं देखू तो ये होगा। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं, अब अगर मैं बात करता हूं ये आपका सपोज अगर मैं जेड एक्सिस ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं देखू सेंटर ऑफ मास का जो पोजिशन वैक्टर होगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो देखिए आरसी हो जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आरसी, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं nth वेक्टर का nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर देखता हूं तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर डैश एन से, ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर डैश एन से। तो अगर मैं ट्राइंगल देखता हूं ओ सी एन एथ पार्टिकल से जो बन रहा है ट्राइंगल, ठीक है, उस ट्राइंगल में अगर मैं वेक्टर एडिशन लॉ लगाऊं तो देखिए मैं लिख सकता हूं कि आर एन इज इक्वल टू आर सी प्लस आर डैश एन, ठीक है, आर सी प्लस आर डैश एन,
ये वेक्टर का सम हो गया, ठीक है, आर सी प्लस आर डैश एन इज इक्वल टू आर एन हो गया, ठीक है। ये आर एन की जो वैल्यू है अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दू तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा सिग्मा एम एन, ठीक है, आर सी प्लस आर डैश एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए ये आएगा आपका सिग्मा एम एन आर सी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर प्लस आर डैश एन स्क्वायर प्लस टू आर सी आर डैश एन, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, सिग्मा एम एन आर सी स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एन आर डैश एन स्क्वायर, ठीक है, आर डैश एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू एम एन आर सी आर डैश, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देखिए पहले आर सी है क्या, आर सी है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, तो अगर मैं अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो अगर मैं ये जेड एक्सिस मान रहा हूँ, ये जो जेड एक्सिस है ये एक्चुअली क्या है, आउटवर्ड आउटवर्ड है इस प्लेन के आउटवर्ड नॉर्म, ठीक है। तो ये अगर जेड एक्सिस है तो देखिए ये सेंटर ऑफ मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब देखिए सेंटर ऑफ मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर सी, ये तो देखिए कॉन्स्टेंट ही रहेगी, जब बॉडी जिस समय अगर रोटेट कर रही है तो देखिए ये सेंटर और इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है तो देखिए इसकी पोजीशन कॉन्स्टेंट ही रहेगी, राइट, इसकी पोजीशन जो है आर सी जो है वो क्या रहेगी, डिस्टेंस वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो देखिए आर सी जहां जहां है मैं उसको सिग्मा के बाहर ले लूंगा, ठीक है। तो ये देखिए आर सी स्क्वायर सिग्मा एम एन प्लस यहां पर सिग्मा एम एन आर डैश एन स्क्वायर, इसको ऐसा लिखा जाएंगे, और यहां पर देखिए टू आर सी ये कॉमन आ जाएगा सिग्मा एम एन आर डैश एन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ये समझने की कोशिश करिए ये क्या है, सिग्मा एम एन आर डैश एन स्क्वायर ये है क्या, देखिए सिग्मा एम एन आर डैश एन स्क्वायर ये एक्चुअली एक तरह से हो जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड डैश एक्सिस। जेड डैश एक्सिस क्या है, जेड डैश एक्सिस ऐसी एक्सिस है जो कि पैरेलल है जेड एक्सिस के, जिसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन ये जेड डैश एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। जेड डैश एक्सिस कहां से पास हो रही है, जेड डैश पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो इतना यहां से क्लियर होता है कि ये सिग्मा एम एन आर डैश एन स्क्वायर ये है क्या, ये है आपका आईसी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है पैरेलल टू द दैट एक्सिस जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, ये वो इनर्शिया है। तो ये किसके, ये क्या है, ये आईसी है एक तरह से, ठीक है, ये आईसी हो गया प्लस देखिए सिग्मा एम एन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो टोटल मास ऑफ द बॉडी एम इंटू आर सी स्क्वायर, एम इंटू आर सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन देखिए क्या आ रहा है, सिग्मा एम एन आर डैश एन स्क्वायर, मतलब सिग्मा एम एन आर डैश एन स्क्वायर क्या होगा, एक तरह से हम यहां से देख सकते हैं ये है हमारा मूवमेंट ऑफ द मास, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना कि अगर दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल वन पार्टिकल टू, तो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहां है, तो जो मूवमेंट ऑफ मास होता है, ठीक है ना, जो मूवमेंट ऑफ मास होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, अगर उसका सम हम निकालें, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आता है, जीरो, ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आता है, मोमेंट ऑफ मास जीरो। सो अगर ये एम वन आर वन एम टू आर टू ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल एंड
ऑपोजिट होंगे, ठीक है। तो कभी भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, जीरो होता है उसका सम ऑल द पार्टिकल्स का। अगर ऑल द पार्टिकल जो भी सिस्टम में है उनका सबका मूवमेंट ऑफ मास अगर आप कैलकुलेट करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास तो जीरो होता है, तो ये वैल्यू होगी आपकी जीरो। तो अगर आपको देखें तो आपका जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव होगी, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही बोलती है कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है किसी बॉडी का, ठीक है, तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मतलब किसका सम होगा, सम होगा एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस उसका स्क्वायर, एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस उसका स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास कर रही है पैरेलल टू दैट एक्सिस जिसके अबाउट हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके अबाउट, ठीक है। तो उसके पैरेलल कोई एक्सिस अगर जो पास कर रही है सेंटर ऑफ मास के से तो वो इनर्शिया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला इनर्शिया प्लस एम इंटू आर सी स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दूसरी हमारी आती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी बॉडी के लिए नहीं है, ये किसी भी बॉडी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल के लिए वैलिड है। तो मतलब मैं लिख सकता हूं कि नॉट एप्लीकेबल फॉर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो उसके लिए नहीं वैलिड है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये ओनली फॉर प्लेन बॉडीज, ठीक है, ओनली फॉर प्लेन बॉडीज। अब देखिए मतलब क्या है, यहां पर हम शेप से बात कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, यहां पर हम मास डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं देखेंगे थ्री डायमेंशनल टू डायमेंशनल, शेप से देखेंगे। जैसे कि प्लेन बॉडीज क्या होते हैं, प्लेन बॉडीज आपका वन डायमेंशनल हो सकते हैं, टू डायमेंशनल हो सकते हैं। हमने पढ़ा था कि थ्री डायमेंशनल में हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं, राइट, लेकिन यहां पर थ्री डायमेंशनल का मतलब हॉलो स्फीयर भी है क्योंकि हम शेप की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर हम मास डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल, यहां हम शेप से देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर शेप ऑफ द बॉडी थ्री डायमेंशनल है उसमें ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या, सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी जो है किसी भी एक, ये बॉडी सपोज जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मतलब व्हाइट बोर्ड प्लेन में ये रोटेट कर रही है, व्हाइट बोर्ड प्लेन में ये रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियसली ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, जेड एक्सिस के अबाउट। अगर मैं व्हाइट बोर्ड प्लेन को क्या मान ले रहा हूं, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन मान ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए जो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा किसके अबाउट, अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस। सपोज ये आपकी जेड एक्सिस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो अबाउट जेड एक्सिस आएगा, राइट, वो क्या होगा, वो होगा आई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए आई एक्स प्लस आई वाई का मतलब क्या है, ये आई एक्स आई वाई है क्या, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ रोटेशन। मतलब कि
दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन में लाई करती है, जैसे अभी व्हाइट बोर्ड है हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन में लाई करती है, तो इनके कॉमन पॉइंट से, ठीक है, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर कोई एक्सेस थर्ड एक्सेस पास हो रही है जो कि इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर है, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं ये जो थर्ड एक्सिस है वो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, और कहां से पास हो रही है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से, जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दोनों एक्सिस क्या है, ये प्लेन ऑफ रोटेशन में लाई करती है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट से म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दूसरी भी हो सकती है जो कि इस प्लेन ऑफ रोटेशन में लाई करेंगी, ठीक है। तो मैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस आप ले सकते हैं क्योंकि प्लेन ऑफ रोटेशन में लाई कर रही है, तो उनके अबाउट जो एक्सेस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा उन उसका सम, उन दोनों का सम किसके अबाउट किसके इक्वल होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सेस जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ रोटेशन के और पास कर रही है कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है। इसकी प्रूविंग सिंपल है, सपोज अब मैं सपोज ये कोई पार्टिकल पी ले ले रहा हूं या ये एनएथ पार्टिकल है हमारा, ठीक है, तो इसके देखिए अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट आईजेड लिखना चाहूंगा तो देखिए आईजेड मतलब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यही होगी आर एम, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर एम हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा सिग्मा एम एन आर एन स्क्वायर, ये आई जेड हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए ये आर एन है क्या, अगर मैं ये ले लू ये आपका एक्स है और ये वाई, तो आर एन स्क्वायर में लिख सकता हूं, आर एन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा सिग्मा एम एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिग्मा एम एन एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एन वाई स्क्वायर। अब एम एन सिग्मा एम एन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, मतलब अगर मैं इसको एक्स एन और वाई एन और नाम दे दू, ठीक है, एक्स एन और वाई एन हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिंपली थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा समझना, इसके लिए मैं इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ना लेके एक्स एन वाई एन कर दे रहा हूं। तो देखिए सिग्मा एम एन एक्स एन स्क्वायर, सिग्मा एम एन एक्स एन स्क्वायर, तो ये एक्स एन क्या है, एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एन एथ पार्टिकल की वाई एक्सिस से, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि सिग्मा एम एन एक्स एन स्क्वायर ये क्या हो गया आई वाई, और ये सिमिलरली क्या हो जाएगा आई एक्स, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन किसी बॉडी का क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए सिंबल हम यूज करते हैं कि, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन समझने के लिए देखिए ये है क्या, इसको आपको इस तरीके से समझना है कि सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी बॉडी है जिसका मास है m, इसका मास क्या है m, ठीक है, अब मुझे इस बॉडी का सपोज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था किसी एक एक्सिस के अबाउट, सपोज ये जेड जेड डैश, ठीक है, जेड जेड डैश के अबाउट मुझे इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, ठीक है, तो ये जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके लिए या तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, या तो मैं इंटीग्रेट करूं तब निकाल सकता हूं, उसके लिए सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे
इसकी इस बॉडी की रेडियस ऑफ जायरेशन पता है, इस बॉडी की रेडियस ऑफ जायरेशन पता है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। हर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अलग अलग होगी रेडियस ऑफ जायरेशन गिवन बॉडी, ठीक है। तो इस बॉडी की अगर मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन पता है अबाउट दिस एक्सिस, तो हमको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको लिख सकते हैं मास ऑफ द बॉडी इंटू के स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी इंटू के स्क्वायर। तो देखिए इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर होता है कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सेम मास का एक पार्टिकल, बॉडी का जितना मास है उसी मास का एक पार्टिकल, ठीक है, हम रिप्लेस कर रहे हैं इस बॉडी को इससे एक पॉइंट मास से या फिर एक पार्टिकल से, एक पार्टिकल से रिप्लेस कर रहे हैं इसको। और कितनी दूर रख दे रहे हैं इसको, उस पार्टिकल को हम कितनी दूर रख दे रहे हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन की डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस एक्सिस, रेडियस ऑफ जायरेशन की डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस एक्सिस। तो अगर ये जो पार्टिकल है इसका क्या होगा, इसका सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस एम के स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि आप रेडियस ऑफ जायरेशन पे पूरा पॉइंट मास, सॉरी पूरा मास ऑफ द पार्टिकल, पूरा मास ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। किस केस में, जिस ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, होता क्या है वो तो सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है पूरा मास, लेकिन इस केस में जब हमको रेडियस ऑफ, जब हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम पूरे पार्टिकल, पूरी बॉडी के मास को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको कितना दूर रखते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन इतना दूर, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देगा ये सेम होगा जो बॉडी का मूवमेंट, पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, राइट। सो सिंपली आपसे क्या है, आपसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करके बोला जा सकता है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो सपोज अगर रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क देखिए कितना होता है, किस एक्सिस के अबाउट, हर एक एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आई चेंज हो जाता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जैसे हमने निकाला था IC is equal to MR square by 2, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वो कौन सी एक्सिस थी, वो एक्सिस थी जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर थी। अगर ये डिस्क है तो हमने जो MR square by 2 निकाला था वो इस एक्सिस के अबाउट निकाला था, जबकि सेंटर ऑफ मास से देखिए दो और एक्सिस पास होंगी जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन में ही होंगी, ठीक है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। लेकिन हमने जो निकाला था, हमने क्या निकाला था, आई जेड निकाला था। तो अगर ये डिस्क है तो डिस्क के लिए आपका आई जेड क्या होता है, आई जेड होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। लेकिन आई एक्स आई वाई अलग अलग होगा, आई एक्स एंड आई वाई अलग अलग होगा। लेकिन अब आप एक बात समझिए कि अगर आई एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो अगर मैं वाई वाई एक्सिस के अबाउट देखूं, वाई वाई एक्सिस के इस तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है मतलब, और एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सिमिलर है। अब ये भी देखिए कि एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वाई वाई एक्सिस के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम है, सेम पैटर्न में है भाई। आप ऐसे कर दीजिए तो आधी आधी डिस्क दिखती है, और ऐसे कर दीजिए तो इधर उधर आधी आधी डिस्क दिखती है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्क है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्विवेलेंट है हर तरफ, ठीक है ना, एरिया वाइज इक्विवेलेंट है मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इतना ये समझ सकता हूँ यहां से कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट आएगा और वाई वाई के अबाउट आएगा वो सेम होगा इस बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर आप इस तरीके भी समझ सकते हैं, एक्स एक्स के अबाउट अगर आप जो है इस डिस्क को ऐसे थोड़ा सा रोटेट करना चाहोगे, या वाई वाई के अबाउट आप डिस्क को ऐसे रोटेट करना चाहोगे, तो सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है,
सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब क्या है कि दोनों ही केस में बॉडी के जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिमेट्री से भी हमको यहां पर समझ में आता है कि बाई सिमेट्री हम क्या कह सकते हैं, बाई सिमेट्री आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई हो जाएगा एंड बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब ये दोनों क्योंकि इक्वल है तो सपोज आई के बराबर है तो आई एक्स इज इक्वल टू यहां से आई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई जेड अपॉन टू, ठीक है, आई प्लस आई टू आई तो आई जेड अपॉन टू, तो ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, एम आर स्क्वायर अपॉन फोर। तो ये बताना था कि बेसिकली देखिए ये जो हमने अभी तक जो कैलकुलेट किए हैं, जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किए थे डिस्क का और रिंग का, तो वो किस एक्सिस के अबाउट किया था, जो एक्सिस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, जो एक्सिस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब उसी एक्सिस के अबाउट मुझे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएगी। तो देखिए मैं लिख सकता हूं IC इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, यहां पे m क्या है मास ऑफ द डिस्क है और IC क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू और ये क्या होता है एम के स्क्वायर। तो यहां से के क्या आएगा, यहां से देखिए के आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा क्या आर अपॉन टू, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड इन द प्लेन ऑफ रोटेशन, मतलब वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और प्लेन ऑफ रोटेशन नहीं है, तो देखिए वो एक्सिस कौन सी होती है, किसी भी एक को ले लीजिए वाई वाई या एक्स एक्स को, तो अब उस केस में क्या होता, उस केस में आपका आई एक्स मान लीजिए आप लिखते एम के स्क्वायर, तो आई एक्स आपका क्या है यहाँ पर आई एक्स आ गया एम आर स्क्वायर बाई फोर, तो एम आर स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम एम कैंसिल हो जाएगा के आ जाएगा आर अपॉन टू, इस केस में क्या आ जाएगा आर अपॉन टू। नेक्स्ट पे क्वेश्चन करते हैं, मुझे एलिमेंट लेने में फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, या तो आप एलिमेंट लो और फिर क्या करो
उसका फर्स्ट मेथड यूज करो, इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट आप लेते हैं, सपोज आपने इसको ले लिया है एक्स डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे आपने डीएक्स एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब देखिए इस एलिमेंट का जो आप एरिया लेंगे, तो वो एरिया देखिए चेंज होगा, हर एक एलिमेंट का एरिया भी चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो डीए कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, जो स्मॉल एलिमेंट का एरिया आएगा वो भी चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें क्या है डिफिकल्टी आ सकती है, फिर आपको एंगल लेना पड़ेगा साइन थीटा, और फिर उस पर लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो देखिए ये जो डायगोनल है, बिकॉज ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सेंटर से पास हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म स्क्वायर नहीं लिखा है, लेकिन हम मान लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, मतलब जैसे जैसे आप जो है मान लो डायगोनली आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना कि मास चेंज हो रहा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग अलग अलग दिया गया हो या कोई इक्वेशन दी गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हम यूनिफॉर्म मान लेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म है हमारे स्क्वायर पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं से पास होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहीं से पास हो रहा है। बट उसकी प्रॉब्लम ये सेंटर ऑफ मास हो ना हो, लेकिन हमको क्या है, हमको निकालना होता है हमको निकालना है बेसिकली आपका जो है इंटीग्रेशन तो करना होगा, तो उस समय हमको क्या करना होगा, डीएम निकालना होगा, मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले से ही अस्यूम करके चल रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म है, हाँ, बट एलिमेंट इसके अक्रॉस लेना, इसके मतलब इस एक्सिस के लिए हम एलिमेंट लें और फिर इंटीग्रेट करना थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलती है कि ये जो आईजेड होगा जो कि इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूं किसी भी दो एक्सिस के अबाउट, किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया होगा उसका सम लिख सकता हूं मैं किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आईजेड जो इससे पास होगी। तो यहां पर मैं ये एक्स है, ये वाई है, जेड आप समझ जाएंगे कि जेड इस तरफ है, तो आईजेड को मैं क्या लिख सकता हूं, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में डायगोनल्स भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो सपोज ये ए बी सी डी, ठीक है, तो देखिए आईजेड को मैं किसके, अब आईजेड को मैं क्या लिख सकता हूं, आईजेड को मैं एक और चीज लिख सकता हूं, आई ए सी प्लस आई बी डी, क्योंकि कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन में, तो ये भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब एक चीज समझिए कि अगर मैं पहले आई एस और आई वाई की बात करूं, तो जो ये एक्स एक्सिस है और जो ये वाई एक्सिस है, फिर से देखिए इसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बाई सिमेट्री देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इसके अबाउट आई एक्स और आई वाई के अबाउट सेम आएगा, क्यों, क्योंकि ये लेंथ दोनों इक्वल है, ठीक है, स्क्वायर, तो स्क्वायर है, तो देखिए इस तरफ और इसके अबाउट और इसके अबाउट दोनों के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होगा, तो बाई सिमेट्री मैं बोल सकता हूं, बाई सिमेट्री आई एक्स आपका किसके बराबर आ जाएगा, आई वाई, और बाई सिमेट्री आई ए सी भी किसके बराबर आ जाएगा, आई बी डी के बराबर, क्योंकि बी डी और ए सी इसके अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए सपोज ये आई था और ये क्या है आई डैश, ठीक है, तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि आई जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, आई जेड को मैं लिख सकता हूं टू वाई, ठीक है, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि टू आई डैश, आई ए सी आई बी डी ये दोनों क्या इक्वल है, आई डैश के बराबर, तो टू आई डैश। तो यहां से दोस्तों ये समझ आ रहा है कि आई इज इक्वल टू आई डैश,
मतलब कि अगर मैं या तो किसी भी एज के अराउंड निकाल लू, या तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लू या एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लू, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही सेम होगा जो कि किसी एक डायगोनल के अबाउट होगा, ठीक है। तो सपोज मैं आई वाई वाई के अबाउट निकाल लेता हूँ, बस वही जो होगा इस डायगोनल के अबाउट भी हो जाएगा, राइट। मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्जी आप किसके अबाउट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वाई वाई एक्सिस के अबाउट, इसमें इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वाई वाई के अबाउट निकाल रहा हूं तो देखिए क्या होगा, मैं एक्स डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे dx अमाउंट की स्ट्रिप काट लूंगा, x डिस्टेंस पे dx अमाउंट की स्ट्रिप मैंने कट कर ली, ठीक है, x डिस्टेंस पे dx अमाउंट की स्ट्रिप कट कर ली। अब देखिए यहां पर लिमिट्स लगाना आसान भी हो जाएगा, क्योंकि dx ये है तो अब ये टोटल लेंथ l है, सॉरी a है टोटल लेंथ, तो ये वाला माइनस a बाई टू से ए बाई, और देखिए ये लेंथ, अब जैसे जैसे डीएक्स आप इसको एक्सपैंड करोगे है ना, लिमिट्स लगाते हैं तो मतलब ऐसे लगाते हैं कि सारे पार्टिकल्स आते हैं, तो सिर्फ आपको एक्स पे लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है, वाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स पे लिमिट लगानी पड़ेगी, वाई आपका ए के ही बराबर है, ठीक है। तो हमारा जो आई आएगा वो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम, है ना। अब ये डीएम क्या है, डीएम है आपका मास ऑफ द एलिमेंट, अब मास ऑफ द एलिमेंट होगा क्या, देखिए यहां पे मास क्या है, थ्रू आउट इट्स एरिया मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे सरफेस मास डेंसिटी आएगी सिग्मा, सिग्मा इंटू डीए। देखिए डीए क्या है, डीए है आपका ए इंटू डीएक्स, डीए क्या है, इस एलिमेंट का एरिया, तो ये लेंथ है ए और ये विड्थ है डीएक्स, तो सिग्मा क्या है, सिग्मा है मास अपॉन टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा एम अपॉन ए स्क्वायर, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, सिग्मा क्या है सरफेस मास डेंसिटी, और डीए क्या हो गया, डीए आपका आ गया ए इंटू डीएक्स, ए कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका एम बाई ए इंटू डी एक्स हो गया, यहां पर प्रूव कर देंगे, देखिए एम बाई ए, एम बाई ए कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये आपकी लिमिट्स देखिए क्या होंगी, माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, क्योंकि अगर आपने यहां से रेफरेंस पॉइंट लिया है तो देखिए पीछे जाएंगे माइनस ए बाई टू, आगे जाएंगे तो माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, देखिए जब ये आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा, और ऊपर ए बाई टू है, नीचे माइनस ए बाई टू है, ठीक है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे यूनिट्स को, तो यह आएगा ए क्यूब अपॉन 24 प्लस ए क्यूब अपॉन 24, तो ये आपको क्या आ जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है, एम ए स्क्वायर बाई 12। रेक्टेंगल होता तो फिर ऐसा ना हो पाता, यहां पर बाई सिमेट्री, क्योंकि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम हो गए थे, इसलिए बाई सिमेट्री यहां पर ऐसा हुआ है, रेक्टेंगल के केस में सिमेट्री नहीं बनती, वहां पर ऐसा नहीं होता, राइट। लेकिन नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है, मतलब कॉजेज ऑफ रोटेशन, कॉजेज ऑफ रोटेशन में जाने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि
हमारे काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स कंपोनेंट हैं लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जैसा कि मैंने बताया था ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा या डेल्टा थीटा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सपोज देखिए ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, ये जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रही है, सपोज, ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो देखिए अब ये दो तरीके से रोटेट कर सकती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब लेकिन आपको जो ओमेगा की डायरेक्शन है, पहले तो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन आप कैसे देंगे? डेल्टा थीटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर क्लॉकवाइज है, पहले हम क्या करते थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस माइनस ले लेते थे, लेकिन अब एक प्रॉपर वेक्टर देखना होगा और उसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट हैंड कर्ल मेथड, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट आपको ऐसे रखना है हाथ की, आपका थंब जो है परपेंडिकुलर हो आपकी फिंगर्स के, फिर आप अपनी फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल कीजिए। आप कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स को, आप घुमाइए किस तरफ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जिस तरफ होगा उसी तरफ क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, ठीक है, उसी तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो देखिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो देखिए जो आपका ओमेगा आएगा वो क्या आएगा, ओमेगा की तरफ, पहले डेल्टा थीटा की डायरेक्शन किस तरफ मानेंगे, जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है, डेल्टा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ मानेंगे, जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। सेम डायरेक्शन में ओमेगा भी होगा, जिस तरफ रोटेट कर रही है बॉडी, जिस तरफ पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसी तरफ क्या है, उस पार्टिकल का ओमेगा भी होगा बेसिकली हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको निकालने के लिए, क्योंकि वेक्टर्स देखिए, वेक्टर्स हम कोई सर्कुलर कंपोनेंट में तो ले नहीं सकते हैं, तो वेक्टर्स हम ऐसे तो फिर हर समय जो है ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी अगर अराउंड द सर्कल लेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हम मेथड यूज करते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड नॉर्मल होगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ आएगा और क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो भाई यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल, अब इसमें एक और चीज हो सकती है कि देखिए अगर रोटेशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है, रोटेशन अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है तो रोटेशन जिस तरफ होगा उसी तरफ आपका क्या होगा, डेल्टा थीटा भी होगा और ओमेगा भी होगा। अल्फा अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, ये डिपेंड करता है कि बॉडी में क्या है, टॉर्क कैसे लग रहा है जिस समय बॉडी रोटेशन में है, ठीक है, टॉर्क अभी हम बात करेंगे, ठीक है। जिस समय बॉडी रोटेशन में है उस समय अल्फा अगर मान लीजिए क्या है, रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है, तो देखिए ओमेगा तो आप आउटवर्ड हो गया और अल्फा देखिए इनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है और अल्फा रिटार्ड कर रहा है मोशन को, तो अल्फा क्लॉकवाइज हो जाएगा और इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको डायरेक्शन अपने जो है इन पैरामीटर्स की डायरेक्शन को अगर हमको देखना है तो इस तरीके से देखते हैं, राइट, यूजिंग द मेथड ऑफ राइट हैंड कर्ल। अब आते हैं नेक्स्ट डायनेमिक्स में, रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स में पहला आता है क्या, टॉर्क। देखिए यहां पर थोड़ा अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन से एनालॉगी यूज करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन से एनालॉगी यूज करेंगे, तो वहां पर क्या था रिस्पॉन्सिबल,
फोर्स रिस्पॉन्सिबल था मोशन के लिए या चेंज इन मोशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, यहां पर टॉर्क है। टॉर्क होता क्या है, बेसिकली आपने फोर्स ही अप्लाई किया, लेकिन अगर उस फोर्स में रोटेशनल मोशन को चेंज करने की टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को अगर हम क्वांटिटेटिवली मेजर करें, अगर उस टेंडेंसी को हम किसी तरह उसको कुछ क्वांटिटी दे सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू चेंज द रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, टू कॉज एनी चेंज इन द रोटेशन ऑफ अ बॉडी, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। इस बात को कुछ ऐसे समझते हैं, देखिए फोर्स हर तरीके का फोर्स टॉर्क दे जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका रोटेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सपोज आपका जो है ये डोर है, राइट, ये आपका क्या है, ये आपका डोर, और ये जो मैंने दिखाया है ये क्या है, ये हिंज ज्वाइंट्स है, हिंजेस, ठीक है, इन्हीं हिंज के अबाउट देंगे आपका डोर रोटेट करता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो एक्सिस है ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कभी भी आप डोर को अगर ओपन करना चाहें तो देखिए आप क्या करते हैं, सपोज मैं यहां पर कुछ फोर्सेस लगा रहा हूं, एक फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है, F1, एक फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं F2, ये आपका मैं यहां पर एक फोर्स बिल्कुल यहां पर हिंजेस पे लगा रहा हूं F3, और एक फोर्स है जो कि मैं इस तरीके से F4 लगा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए F1, F2, F3 अगर आप एक्सपीरियंस करें तो F1, F2, F3 इस तरीके से अगर आप कभी भी फोर्स लगाएंगे तो कभी भी आप जो है डोर को रोटेट नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन F4 मतलब आपको क्या करना होगा, एक एज के परपेंडिकुलर जब आप फोर्स लगाते हैं तो डोर मूव करता है, डोर रोटेट करता है, राइट। तो ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ये समझिए, जो फोर्स हमारा बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन से या फिर हिंज ज्वाइंट से पास हो रहा है, जो फोर्स हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से भले परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, देखिए F4 और F3 में क्या समानता है कि F3 और F4 दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, F3 ऐसे लग रहा है, F4 ऐसे लग रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है। लेकिन F3 कहां से पास हो रहा है, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, उसी हिंज ज्वाइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी आपका जो है ये कोई भी टॉर्क आपको दे नहीं पाता है। ठीक है, ये कोई भी टॉर्क नहीं दे पाता। F2 भी देखिए एक तरह से क्या हो रहा है, F2 भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। F2 क्या है, F2 आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, तो ये भी कोई टॉर्क नहीं दे पाएगा। अब F1 देखिए, F1 क्या है, F1 एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो गया, F1 एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये भी कोई टॉर्क नहीं दे पाएगा। तो ऐसे कंपोनेंट जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहे हैं, ऐसे फोर्स जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहे हैं, तो ये इन फोर्सेस में वो टेंडेंसी नहीं होती है कि जो कि रोटेशनल मोशन में कुछ भी चेंजेस ला सके। ठीक है, या फिर रोटेशनल मोशन बॉडी रेस्ट पे है तो उसको रोटेशनल मोशन दे सके।
तो ऐसे फोर्सेस में कोई टेंडेंसी नहीं है, तो ऐसे फोर्सेस में जब टेंडेंसी नहीं है तो उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे होगा, तो वो टॉर्क नहीं दे सकते। अब बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट हमारे टॉर्क दे सकते हैं। तो देखिए अब जब यहां पर जब मैं बात करूंगा तो फिलहाल अगर मैं मान लेता हूं कि सपोज ये सब आप अभी हटा दें, अब सिर्फ एक फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, पहले यहां पर मैं कुछ डिफाइन कर रहा हूं, एक्सिस अपनी डिफाइन कर रहा हूं, ये हमारी होगी वाई एक्सिस, ये हमारी हो जाएगी, या फिर ये हम अभी अपनी जेड एक्सिस लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी देखिए एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स होगी, ये जेड होगी, ठीक है, और एक आपका क्या हो जाएगा जेड एक्सिस के अलोंग एफ जेड, क्या क्या हो गया एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है। तो यहां से अब एक चीज तो ये देखिए क्लियर आती है, एक चीज यहां पर क्लियर हो जाती है कि ये जो जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है एफ जेड, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो गया, तो ये जो कंपोनेंट है ये फिर से वही हो गया, नो टॉर्क, टॉर्क नहीं दे सकता। एफ एक्स वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, ये आपका हिंजेस से ही पास होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास होगा, ठीक है, ये भी कोई टॉर्क नहीं दे सकता। और जो वाई कंपोनेंट है ये आपका देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, और कुछ एक डिस्टेंस से पास हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये भी हो सकता है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो, ये वो नहीं है, ये कुछ एक दूरी पे पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एफ वाई में पूरा जो है एफ वाई में पूरा टेंडेंसी है दैट इट विल प्रोड्यूस क्या रोटेशन, एफ वाई में पूरी टेंडेंसी है टू प्रोड्यूस रोटेशन। तो एफ वाई जो देगा, एफ वाई हमको क्या देगा, ये हमको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एफ वाई विल प्रोवाइड टॉर्क। अब थोड़ा सा एक बात समझिए, यहां पे तो हमने एक्स वाई जेड एक्सिस में डिफाइन किया है इसको, लेकिन जब बॉडी रोटेट करती है, सपोज ये जो आपका डोर है ये जब रोटेट करेगा तो देखिए जेड एक्सिस तो सेम रहेगी, लेकिन क्या है हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई एक्सिस क्या है, या तो ये रोटेट, या तो आप ये मान लो कि ये पूरा प्लेन ऐसे रोटेट करेगा तो एक्स और वाई एक्सिस अकॉर्डिंगली रोटेट करेगी, ठीक है। तो अब लेकिन क्या है, जैसे जैसे कि जब रोटेट करेगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, या तो आप पूरा प्लेन को आप मानिए कि रोटेट कर रहे हैं, या फिर आप जो है बेटर है इसमें हम एक्स और वाई के, एक्स और वाई एक्सिस के नाम को थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और उसको हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, सपोज ये सेंटर ऑफ रोटेशन है और पार्टिकल इसके अबाउट रोटेट करता है, पार्टिकल अगर इस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगा, तो देखिए किसी भी एक पोजीशन पे इसमें क्या होता है, ये रेडियल डायरेक्शन होती है और ये कैसी होती है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, ये रेडियल डायरेक्शन होती है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, ठीक है।
अब अगर देखिए ये डोर जब आपका ऐसे क्लोज होगा, ये डोर जब आपका ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, यू ऐसे करके रोटेट होगा, तो देखिए ये जो वाई कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट बेसिकली होगा क्या, ये एक तरह का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ये वाई जो है, ये वाई जो है ये क्या है, ये टेंजेंशियल। और ये जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ये क्या है, ये रेडियल कंपोनेंट है, क्योंकि यहां पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बेसिकली ये, और यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ऐसे पास हो रही है। सो कंपेयर करके मुझे ये समझ आता है कि ये जो है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, एफ वाई टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और ये कैसा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट। देखिए रेडियल की दो डायरेक्शन होती है, एक तो आउटवर्ड और एक इनवर्ड, ठीक है, तो ये रेडियल कंपोनेंट है, इनवर्ड है। बट आपको क्या है, चाहे रेडियल आउटवर्ड हो चाहे रेडियली इनवर्ड हो, वो फोर्स चाहे आप डोर को इस तरफ कीजिए बाहर की तरफ, चाहे अंदर पुश कीजिए, ये तभी भी क्या होगा, इस टाइप का फोर्स जो कि क्या है, रेडियल फोर्स है, वो कभी भी आपको क्या है, कभी भी आपको जो है रोटेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो रेडियल कंपोनेंट हो गया, ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये हमारा क्या है, देखिए ये अलोंग द एक्सिस है, ये एक्सिस के एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्सिस कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल कंपोनेंट, ठीक है, एक्सियल कंपोनेंट। तो देखिए जब भी आप यहां से ये समझ रहे हैं कि चाहे जब भी किसी भी तरीके का फोर्स लग रहा हो, कैसा भी लग रहा हो, अगर उस फोर्स में टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा तभी वो फोर्स जो है उस पार्टिकल को या उस बॉडी को रोटेट कर सकता है। तो ओनली द टेंजेंशियल कंपोनेंट हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, राइट, ऑफ ऑल द चेंजेस इन द रोटेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, कल हम प्रॉपर अपना डायनामिक्स पोर्शन देखेंगे, आज हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है थोड़ा रोटेशनल डायनामिक्स। थैंक यू वेरी मच।